पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बाल दिवस के मौके पर विकास प्राधिकरण की ओर से इको हर्बल पार्क में एक बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। उसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। रविवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से मुरादाबाद की आवाम को संदेश दिया गया और कहा गया कि ये बाल मेला मुरादाबाद के यूथ के लिए है। इस बाल मेले में बच्चों के लिए खेल खिलौनों के साथ साथ कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जा रही हैं। उन्होंने जनमानस से अपील की है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाल मेले का हिस्सा बने और बाल मेले का आनंद लें। इस मौके पर प्राधिकरण के सचिव राजीव पांडे, चीफ इंजीनियर नीरज गुप्ता, SDM प्रबुद्ध सिंह, संपत्ति अधिकारी RRP सिंह, अधिशासी अधिकारी अमित काद्यान, KN जगुड़ी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। 14 नवम्बर को हर वर्ष बाल दिवस होता है, तो हमने सोचा कि सबसे पहला जो गिफ्ट है, जो सबसे पहला उपहार है, वो हमारे समाज के जो सबसे यंग जनरेशन जो होती है, जो बच्चे होते हैं, उनको दिया जाए। और इसी के दृष्टिगत ये पहली संभावना उपजी कि हम लोग इस बाल दिवस को स्पेशल बनाते हैं, एक बाल मेला का आयोजन किया जाए। तो इस 14 नवंबर को, जो कि कल है, आप लोगों के माध्यम से इस शहर के जितने भी हमारे बच्चे हैं, उनके अभिभावकगण हैं, टीचर्स हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, ओपन इनविटेशन देता हूँ कि इस पार्क का आप लोग आएँ और अवलोकन करें। यहाँ पर जितनी सुविधाएं दी गई हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं, चाहे वो यहाँ के झूले हों, यहाँ की ग्रीन स्पेसेस हों, यहाँ की जो स्पोर्ट्स की सुविधाएं हों, यहाँ तरह तरह की जो है कैनोपीज है बैठने के लिए, सोशलाइज करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, यहाँ पर खेलकूद की कई सारी संभावनाएं हैं। उसके अलावा जो है आप लोग जो सजेस्ट करेंगे हम उनको भी आगे इनकॉर्पोरेट करेंगे। खाने पीने की यहाँ पर जगह है, इनका अवलोकन करें और इनका जो है भविष्य में आप लोग उठा सकें। तो इसको शोकेस करने के लिए भी हम लोगों ने बाल मेले का आयोजन किया है। इस आयोजन के अवसर पर हम लोगों ने ये भी सोचा है कि कुछ हम लोग प्रतियोगिताएं भी कराएं और आकर्षक उसमें उपहार भी दिए जाएंगे जो विजेता रहेंगे। तो उन प्रतियोगिताओं में रंगोली प्रतियोगिता है, हमारी स्केचिंग की प्रतियोगिता है, चित्रकारी की प्रतियोगिता है, इसी प्रकार से हमारी जो है क्विज की प्रतियोगिता है, डांसिंग की प्रतियोगिता है, इसी प्रकार से फैंसी ड्रेस का कंपटीशन भी है। कई प्रकार की इवेंट्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें कि स्पोर्ट्स इवेंट हैं, खो खो है, कबड्डी है, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इस तरह की जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है उनका भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। यहाँ पर ओपन एयर जिम भी अवेलेबल है, एक एरिया हमने मार्केट कर दिया है जिसको योग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पूरी तरह से वो शांत एरिया है। दूसरा, हमारी यहाँ पे जो फूड स्टॉल्स हैं उनको भी हम लोगों ने अपग्रेड किया है, अभी भी उसका कार्य चल रहा है, फ्यूचर में उसको हम लोग और करेंगे। तो इस प्रकार से एक पूरा एक्सपीरियंस जो है बच्चों को मिलेगा। 14 नवंबर को जो बाल मेला है उसमें खास बात यह है कि विद्यालय के जो बच्चे हैं उनका भी पार्टिसिपेशन है, जो समाज से अन्य बच्चे भी आते हैं अपने अभिभावकों के साथ उनका भी पार्टिसिपेशन है। सभी के पार्टिसिपेशन में, प्रतिभाग में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है और जितनी प्रतियोगिताएं होंगी उनमें भी किसी प्रकार की कोई एंट्री शुल्क नहीं है। हर एक बच्चा इसमें आकर के प्रतिभाग कर सकता है और आकर्षक उपहार और प्राइजेज इसमें जीत सकता है। पहले हमेशा आपके लिए ओपन है, आप अपने सुझाव आकर के बेझिझक अपने दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है कोई आप अपनी ओर से कोई आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग जो है आपको पूरा सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी जो है मेरा आपको एश्योरेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे झूले हैं, उनका उपयोग और उनमें जो है सवारी उनके लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। हर्बल पार्क में एंट्री भी पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। यहाँ पर जो हमारे खाने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और कुछ स्टॉल्स हम लोग और लगाएंगे, उनमें भी जो है रियायती दरों पर उस दिन जो है हम लोग भोजन उपलब्ध करवाएंगे जिससे बच्चों को पूरे दिन एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। इस बाल दिवस के साथ साथ एक और चीज हमने एक थीम के रूप में जोड़ी है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है न्यू मुरादाबाद मैराथन। ये लगभग जो है 2.5 से 3 किलोमीटर की एक रेस है, पैदल वॉक है, जो कि हमारा जो नया मुरादाबाद का एंट्री पॉइंट है, हमारे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का कार्यालय, वहां से शुरू होकर के हर्बल पार्क तक ये मैराथन दौड़ आयोजित की जा रही है। इसमें भी हमने इनविटेशन ओपन रखा है, इसमें जीतने वाले लड़कों की कैटेगरी में 6 लोगों को और लड़कियों की कैटेगरी में भी 6 लोगों को हम लोग पुरस्कार देंगे।
और साथ साथ जो है उनके लिए एक अच्छा अवसर रहेगा इस मेले में भी प्रतिभाग करने का। इस जो दौड़ का हम लोगों ने थीम रखा है उसका नाम हमने रखा है रन फॉर एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण दौड़ के रूप में हम लोग इसको जो है प्रमोट कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बच्चे जो है कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं, उनको जिस स्वरूप में आप ढालना चाहते हैं उनको अगर आप सही संदेश देंगे तो भविष्य में जो है वो उसी प्रकार से ढलेंगे और एक समाज के लिए जो है अपना योगदान दे सकते हैं कि इन बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए। और इसीलिए जो हमने अपनी थीम पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को रखा है। हमारी जो ये दौड़ होगी इसकी थीम पर्यावरण संरक्षण ही रहेगी, इसीलिए हमने इसका नाम रन फॉर एनवायरमेंट रखा है। इससे एक और एडवांटेज जो है जो हम लोग देख पा रहे हैं कि नया मुरादाबाद जब मैंने स्वयं ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि काफ़ी जो है खराब स्थिति है और काफ़ी समय से कोई मेंटेनेंस इत्यादि का कार्य नहीं हुआ है। शहर के लोगों से भी मैंने बात की तो कई लोगों का ये कहना था कि साहब जो है बहुत अच्छी योजना है लेकिन वहाँ पर कोई रौनक नहीं है। तो उस पर हम लोगों ने काम किया पिछले 2-2.5 महीने में, तो उसको देखने के बाद मैं समझता हूँ कि इतना एश्योरेंस मैं आप सभी को दे सकता हूँ कि अब जो आने वाले लोग हैं उसको देख करके निश्चय ही जो है प्राधिकरण के प्रयासों को सराहेंगे जरूर, एक बार उसके बारे में सोचेंगे जरूर, क्योंकि अब काफ़ी परिवर्तन हो गया है, अच्छी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर अब और बेहतर हो गया है और उत्तरोत्तर जो है हमारा कार्य चल रहा है। अगले 5-6 महीने में ये न्यू मुरादाबाद एक जो है आधुनिक टाउनशिप के रूप में जो इसका स्वरूप हम लोगों ने सोच के रखा हुआ है उसको जो है प्रदर्शित करने का हमारा इसमें पूरा योगदान रहेगा, इसमें पूरा हमारा प्रयास रहेगा। आगे भी जो है हम लोग बहुत सारी इवेंट्स इस हर्बल पार्क में कराना चाहते हैं, जिन इवेंट्स के बारे में मैं थोड़ी जानकारी अभी देना चाहता हूँ कि हम लोगों का आगे का प्लान ये है कि यहाँ पर हम कोई फूड फेस्टिवल कराएंगे। मुरादाबाद जो है अलग अलग तरह के व्यंजनों के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद का ये पूरा पश्चिम का क्षेत्र, यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन इत्यादि भी बनते हैं, उसके लिए भी जाना जाता है। तो हम लोग भविष्य में हम लोगों का ये प्रयास है कि आप सभी लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, यहाँ के उद्यमियों के सहयोग से यहाँ पर इस तरह से एक फूड का एक मेला करवाएंगे। इसी प्रकार से हम लोगों की ये भी सोच है कि यदि हमें अच्छा सहयोग मिलता है तो यहाँ पर एक अच्छे बुक फेयर का भी अच्छा स्कोप है, वो भी किया जा सकता है। साथ ही साथ कई सारे जो है हमारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम जिसके लिए पूरे देश में जो है मुरादाबाद को जाना जाता है लेकिन हमारे यहाँ अपने यहाँ प्लेटफॉर्म उतना अच्छा नहीं मिल पाता है, तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा न केवल मुरादाबाद बल्कि आसपास जो है मंडल के जितने 5-6 जिले हैं और आसपास का जितना पश्चिम क्षेत्र है उन सभी जगहों के जो हमारे उत्पाद हैं उनका यहाँ पर हम लोग उसको शोकेस कर सकें। इस तरीके से हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे बूढ़े जवान हर एक आयु वर्ग के लोगों को अपनी पसंद की इवेंट्स में प्रतिभाग करने का यहाँ मौका मिले, उसका हमारा पूरा प्रयास रहेगा। चाहे वो साइंस फेयर हो, चाहे बच्चों के अन्य प्रकार के डिफरेंट टाइप के फेयर्स हों, बड़ों की इच्छानुरूप या उनके जो है आवश्यकता अनुसार जो उनके द्वारा सुझाए जाएंगे आयोजन उनका भी हम जो है यहाँ पर आयोजन करने का प्रयास करेंगे। हमारी MDA की टीम और इस पार्क में मौजूद मुरादाबाद की समस्त जनता को मेरा नमस्कार। मैं उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण आज की इस प्रेसवार्ता में आप लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप ही लोगों के बीच में से मुझे करीब अभी आए हुए 2 महीने से ऊपर का समय हो गया और आप ही लोगों के मध्य में से पत्रकार साथियों ने, विभिन्न जो सम्मानित नागरिकगण हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनके द्वारा आकर के मुझे कई प्रकार के फीडबैक दिए गए और कई ऐसे सुझाव दिए गए जिससे ये पता लगा कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अपने प्रयासों को किस प्रकार से सार्थक दिशा में लगा सकता है। तो उनमें से एक प्रयास ये भी हुआ, एक ये सुझाव आया कि हमारे पास एक जो है बहुत ही अच्छा ग्रीन एरिया अवेलेबल है जो कि हर्बल पार्क के रूप में है और बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना रही है ये मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की, तो काफ़ी जीर्ण शीर्ण स्थिति में था और बीच में जो कोरोना का काल रहा उस दौरान हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाए थे, इस वजह से बीच बीच में जो है स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो आप लोगों के फीडबैक के बबाद मैंने जो है इस पार्क के 3-4 सघन दौरे किए, अलग अलग एंगल से इसको परखा, इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उनको तलाशने का प्रयास किया और फ्यूचर में जो है इसका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है उन पर भी हमने जो है
पूरा अपना फोकस रखा। उसके बाद हमने अपनी टीम के साथ बैठक करी, आप लोगों से भी बीच बीच में फीडबैक लिए कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं और क्या उचित रहेगा। इसके बाद जो अभी आप लोग आउटपुट देख रहे हैं, ये हमारा जो प्लानिंग है उसकी प्रथम फेज का ये आउटपुट आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें हमें विभिन्न जगहों से अभी और सुझाव भी मिल रहे हैं, बहुत सारी बधाइयाँ भी मिल रही हैं कि काफ़ी परिवर्तन हो गया है। तो इसके लिए तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ और हमारी अपनी पूरी टीम को भी मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ कि उन्होंने लग करके पिछले करीब 20-25 दिनों में, बीच में दिवाली की छुट्टियां थी उनकी भी परवाह न करते हुए, इस पूरे एरिया की साफ सफाई में, इस पूरी एरिया के आधुनिकीकरण में, अपलिफ्टीकरण में, इसका अपग्रेडेशन में अपना पूरा योगदान दिया है और छुट्टियों की परवाह न करते हुए आज जो है इस स्थिति में आकर के खड़ा हुआ है। हम लोगों का आगे का इसमें प्लान है कि इसको कैसे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन, प्रतिभाग बढ़ाया जाए। तो उसके दृष्टिगत हम लोगों ने प्लान किया है कि बहुत सारी हम लोग यहाँ पर तरह तरह की जो है इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें कि वाइडर पार्टिसिपेशन हो, हर एक तबके का व्यक्ति समाज के वो यहाँ पर आए और हर्बल पार्क को अपनी निजी संपत्ति समझते हुए और एक अच्छा यहाँ से अनुभव लेकर के जाए, इसका हमारा प्रयास है।